आप सभी भक्तों ने याद किया और आपकी सहायता के लिए मैं आ गया। ओम जय जय ओम। ओम जय जय ओम। ओम जय जय ओम। हमारा प्लान काम कर गया। आज यो बच्चा चोर ना बच पाएगा। बेटा, इस बच्चे में अलग सा तेज है। लाओ, इसे मेरे पास दो। हुई है और यहाँ सबने पता है कि तूने इस बच्चे को किडनैप करके इसने टोकरी में बंद किया था। एक वक्त आ गया है जब तेरा असली चेहरा यहाँ सबने नजर आएगा। बच्चा चोर और पाखंडी दोनों क्या हुआ? हैरानी हो रही है। अरे भक्तजनों, श्रद्धालुओं, घंटाघर बाबा जैसा कोई बाबा है ही नहीं। जनता भी देखना चाहती है इस दाढ़ी के पीछे घंटाघर बाबा का असली चेहरा क्या है। ये जाल तुझे पकड़ने के लिए बनाया गया था बाबा। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहू बेटी के साथ बदतमीजी करने की, इस पर हाथ उठाने की? समझता क्या तू अपने आप को? हाँ, इसका दिल दुखा के तेरा मन नहीं भरा तो तूने इसको फिजिकली हर्ट कर दिया। दशहरे के समारोह के लिए किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, योगदान चाहिए, तो हमारा परिवार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। व्यस्त चल रहे हो दामाद जी, इब तक जवाब न दिया। काफी व्यस्त चल रहे हो क्या दामाद जी, जो इब तक जवाब न दिया? इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। उसने मेरा भेजा मैसेज पढ़ लिया है, पक्के ते रिप्लाई करेगा मीत। मैं जानकर रहूंगी कि आखिर वो के मजबूरी है जिसकी वजह से मीत नीलम से शादी कर बैठा। शायद इस तोड़ते पापा जी और मीत ने जोड़ने का रास्ता मिल जाए। राज को अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर होने वाले रावण दहन के डिस्कशन को तू सीरियसली लेगा। तो बैठ जा चुपचाप। तेरा चेहरा देखकर समझ सकती हूँ मीत की तू कितने दर्द से गुजर रहा है।
ठीक है फिर आपकी चुप्पी को आप कहाँ समझूंगी, बता देती हूँ उन्हें आखिर अपनी छाती पे सौ मन का बोझ लेके कब तक बैठूंगी मैं। नहीं प्लीज, अब नीलम को कुछ नहीं बताएंगी, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। प्लीज मेरे फोन का इंतजार कीजिए और जब तक हम लोग बात नहीं कर लेते आप प्लीज कुछ नहीं करेंगे। हेलो नीलम, नीलम मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ। आप हमारी बात सुनो पहले दामाद जी। अम्मा आप, अम्मा मैं आपको फिर से कॉल करने ही वाला था। अम्मा आप मेरी बात समझिए। अब मैंने फोन लगा लिया ना, तुम्हारी बात सुन। देखो यहाँ पे ईसा के पास दीप किरण का तोहफा आया है और वो भी सिंदूर और चिट्ठी है उसपे। अब ऐसा घटिया मजाक आपने तो ना किया होगा। अम्मा मैं क्यों भिजवाऊंगा? अम्मा बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजा ये? कौन है वो जिसको ये मालूम है कि दीपक इस दुनिया में ना है? अम्मा मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आप नीलम से इस बारे में कुछ मत कहिएगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा मारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं नीलम को ये सच्चाई क्यों बताऊं? अम्मा क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे फोन पर बात कर रहा था ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। मारा फोन 3-4 दिन से मिली नाराज हो गया है कहीं। फिर आपको समझ के मैं किससे बात कर रहा था अब तक? और आपके फोन से किसने मुझे मैसेज किया कि आप नीलम को सब कुछ सच सच बता देंगी? एक मिनट, मतलब कोई आपको हमारे फोन से फोन कर रहा है और यहाँ पे ईसा को दीप किरणाम की सिंदूरदानी भेज रहा है? मतलब यो तो कोई सोची समझी चाल है, इसका पता लगाना पड़ेगा दामाद जी, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। कोई तो है अम्मा जो या तो सब कुछ जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले की बात पूरी तरह बाहर चली जाए हमें उस इंसान का पता लगाना होगा अम्मा, वरना सब कुछ तबाह हो जाए। हाँ दामाद जी, आप एक काम करो, आप पहले तो यो पता करो कि मारा फोड़ा कि है किसके पास। इसका मतलब अम्मा का फोन यही है तीरथ में मेरे आसपास, और वो जिस भी इंसान के पास है उस इंसान ने 24 घंटे मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता। फिर मैं सोच रही थी कि जो तीसरा इंसान है जिसने ईसा को सिंदूरदानी भेजी और हमारे फोन से आपको फोन किया है, कहीं ये मीट बुढ़ा तो ना है? कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा, जो कुछ भी कह रही है वह सही है। अगर वो फोन मीत के पास हुआ तो मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि वो फोन किसके पास है। एक और दिन गुजर गया जब पापा जी ने मीत से बात तक ना की और इस बात का दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, पर बहुत जल्द सब बदल जाएगा। दशहरे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मन ने पूरा यकीन है करेली काकी का फोन मन ने मीत की मजबूरी तक पहुंचा देगा। क्या फोन इसके पास है?
और अगर फोन इसके पास नहीं हुआ तो नहीं, सब कुछ सोच समझ के करना बेटर है। अम्मा, मैंने नीलम के नाम एक चिट्ठी लिखी है। ऐसी बातें फोन पर बताना सही नहीं होगा, इसलिए ये चिट्ठी आज रात ही मैं तीरथ के लेटर बॉक्स से भेज दूंगा। जब नीलम लेटर पढ़ेगी तो उसे सच पता चल जाएगा। मीत ने करेली काकी के फोन पर मैसेज तो ना भेजा? करेली काकी के फोन पे मैसेज कैसे पढ़ूं? इसने मेरे ऊपर सकना हो जाए। मेरा भेजा हुआ मैसेज पढ़ क्यों नहीं रही है? मतलब अम्मा का फोन इसके पास नहीं है। फोन जिसके पास भी हो वो मैसेज पढ़ेगा जरूर और मेरे ट्रैप में फंसेगा भी। आज रात वो जरूर लेटर बॉक्स से लेटर चुराने की कोशिश करेगा। करेली काकी का फोन तो बंद हो गया, अगर मैसेज मीत ने भेजा है तो मैं पढ़ूं कैसे? इंसान के वास्ते तीन चीजें सबसे ऊपर हुए हैं, उसका परिवार, कोई कर्ज और औलाद की खुशी। माड़ी मेड़ो की खुशियों के आगे अगर कोई भी आया ना तो उसे हटाने के लिए मरना पड़ा, हाथ खून से भी रंगना पड़े। तो मैं तैयार हूं। और अभी तो मम्मी यो पता लगाना होगा कि यो आखिर है कौन, जिसे दीप के बारे में सब मालूम है। जो हमारे कमरे की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारी जिद है वो कि तुम्हें वो सच जानना है। बार 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 जिद कर रही हो ना तुम तो सुनो, जानना चाहती हो ना तुम कि मैंने नीलम से शादी क्यों की? मर मीणू ना हो सकते,
नीलू ना आ सकती है। मैंने और नीलम ने एक साथ एक रात बिताई थी। वो रात ही कुछ ऐसी थी, मैं बह गया था। झूठ बोल रहे तू, झूठ बोल रहा है तू। झूठ नहीं बोल रहा हूं मीत, जिद थी ना तुम्हारी, सच सुनना चाहती थी ना तुम। तुमने मुझसे बार 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 जिद की कि तुम्हें सच आना है, तो सुनो यही सच है ना। झूठ बोल रहे तू, चाहे हमारे बीच कितने भी फासले क्यों ना आ जाए, पर आज भी तन्ने तनी अच्छी तरीके से तू जानती हूँ मैं कि झटते पकड़ लूं जब तू झूठ बोले तो। जब तू झूठ कहता है ना तो तेरी आंखें मन ने बता देती है। एक बात तो तय, तेरी जो भी मजबूरी है ना वो जितनी बड़ी है उससे कई ज्यादा बड़ी उस मजबूरी ने निभाने की वजह है। शायद किसी की खुशी हो, किसी की उम्मीद हो और किसी के भरोसे से जुड़ी हुई। पापा जी तो सीखा है ना यो तूने, किसी का दिल ना दुखा सकता, तू कदे कुछ गलत ना कर सकता। जानती हूं मैं, अरे बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें, नहीं चलना साथ में तो नहीं चलना, बात खत्म। जिसने मैं जानती थी वो मीत जो भी करता, पर एक बच्चे ने कदे ना रुलाता। तन्ने भागना है ना अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग जा, मैं भी तेरे पीछे ना आने वाली तेरी मिन्नतें करने। आज से इस बच्चे ने मैं अकेले संभाल लूंगी और तू इसकी तरफ देखना भी मत। I'm sorry, मैंने तुम्हें रुलाया, पर आज का दिन मुझे मेरे दोस्त दीप को देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ दीप का। इतने क्यों हो गया, बच्चे के साथियों का देर से ना करता। जाजी, मैंने तेरे और ईशा के लिए एक बेहतरीन सा पैकेज चूज किया है, वो भी कसौली में। तू जानता है ना तू बेस्ट है। क्या आपके मित्र की कोई निशानी है आपके पास? अगर है तो आप उसे यहां चढ़ा दीजिए। हाँ हेलो दामा जी, वो दीप का पेन जो है ना वो मीत उड़ा के हाथ लग गया। जिस तरह से मीत ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ इस बच्चे के साथ कि ऐसा लगता है कि उस बच्चे के बिना रह ही नहीं सकता। ये कितनी ताज्जुब की बात है ना, इतनी देर हो गई और मीत अभी तक नहीं आया इस बच्चे के पास, अजीब है ना। अच्छा मीत, सामूहिक प्रार्थना के लिए मंदिर में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। तुम बच्चे का ख्याल रखना अपना भी। हाँ मैं आती। अरे अरे बाबा ने बाबा,
उसको भूख लगी होगी, देख लेना क्या हो गया। नींद काफी देर तक आया, अभी गया कितने? अब आप अपने मित्र की आत्मा के शांति के लिए इस कोरे कपड़े पर मृतक दीप का नाम लिख दीजिए। हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा जी, मन्ने आपसे एक जरूरी बात करनी है। मीतू जो हमें दिखा रहा है वो सच? मीतू क्या कर रहा है तू? फोन दे। मीतू क्या कर रहा है? फोन। मीतू क्या कर रहा है? फोन दे। फोन दे। मीतू मेरा फोन। मीतू हेलो बेटा। अरे इनका कुछ समझ में नहीं आता, उस बदमाश को पकड़ने के लिए लोग आपस में झगड़ा करने की एक्टिंग कर रहे हैं या असलियत में झगड़ रहे हैं? तन्ने के लगता है तू मेरा फोन छीन लेगा तो मैं रुक जाऊंगी, रोक लेगा तू मन्ने? रख ले फोन, मैं खुद पापा जी के पास जाऊंगी, उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, फिर जब वो तेरे से सवाल पूछेंगे ना कि किसकी आत्मा की शांति की पूजा कर रहा है ईसा का, के कनेक्शन है और के मजबूरी है जिसकी वजह से तू नीलम से ब्याह कर बैठा, तब मैं देखती हूँ तू कैसे जवाब न देता। जाना है तो जाओ मीत, डैड को सब कुछ बता देना चाहती हो तो जाओ बता दो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। अगर ये बात मैं तुम्हें बता सकता होता ना मीत, तो तुमसे कभी छुपाता नहीं, तुम्हें कब का बता दिया होता। अगर तुमने कभी भी मुझसे लगाव रखा है या तुमने मुझे कभी भी समझने की कोशिश की है तो मत बताना डैड को। आगे तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी मर्जी, बताना चाहो क्या रोक जाओ। नहीं ईशा भाभी, जब तक अम्मा की नाराजगी मुझसे दूर नहीं हो जाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ तो मत खाओ, मुझे भी तुम्हें खाना खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि आखिर अम्मा और तुम्हारे बीच की टेंशन की वजह क्या है।
अम्मा जी आप गए ना नीलम दीदी को खाना खाने के लिए, सुबह से उन्होंने खाना तो छोड़ो पानी तक को हाथ नहीं लगाया, बस रोए जा रही हैं। लैला नाम है मेरा और लैला वही करती है जो उसका दिल करता है। रात में जिस नीलू के दर सड़वे मंडे और अभी जो संस्कारी नीलू मारे सामने बैठी है, दोनों के हाव भाव स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क से मारे तो समझ से परे से कि नीलू ने हुआ किस है। अम्मा जी बताइए ना आप क्यों नाराज है नीलम दीदी से। तू खाना रख दे और जाके अपना दूसरा काम कर। जी अम्मा जी। खाना खा ले। नहीं पहले आप कहो कि आप मुझसे नाराज नहीं हो। आज मैं तारे साथ जगराते में गुप्ता जी के यहाँ जाऊंगी और मिसेस गुप्ता से सारा सच जानने के बाद ही बताऊंगी कि मैं तारे से नाराज हूँ घृणा हूँ। चलेगी ना हमारे साथ? हाँ माँ मैं जरूर चलूंगी। मैं खुद चाहती हूँ कि आपका ये वहम टूटे। मारे साथ चलने की बात भी इसके चेहरे पे तो सिकुड़ ही ना आई, ऊपर से ये खुश है। इसका मतलब कि कल रात ये चकराती नहीं थी, पर वो छोरी जो अपने को लैला बता रही है वो कोई और से। नहीं मॉम, एक बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं और ये बात आप भी जानती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो करेगी वही जो उसे करना है। और जिंदगी में कई बार आपके लिए गलत फैसले आपको जिंदगी जीने का सही मतलब सिखा जाते हैं। शायद यहां आना मेरा गलत था मॉम, उसके साथ यहां होना ही गलत था। मैं जा रहा हूं। और बच्चा? उस बच्चे से भी मुंह मोड़ के चला जाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम दोनों ने ली थी ना। जब वो डैड का बेटा बनकर डैड को संभाल सकती है ना मां, तो उस बच्चे को भी संभाल सकती है। पुलिस स्टेशन गई है उस बच्चे को लेकर। मैं दुआ करूंगा कि उस बच्चे के माँ बाप उसको जल्द से जल्द मिल जाए। किसी भी माँ बाप को उसके बच्चे से दूर रहने का दुख ना बर्दाश्त करना पड़े। हमारी परीक्षा पूरी हो गई है कमल, बच्चा हाथ लग चुका है। अब जल्द से जल्द हमें इसे भेंट चढ़ा के यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, इससे पहले हम तक कोई पहुंच जाए। जा, इसने मेरा चेहरा देख लिया है, होश में आते ही सब कुछ बक देगी और फिर पूरे स्टेट की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और तुरंत हम तक पहुंच भी जाएगी। धर्मशाला में हमारा पता लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? करना क्या है, अगर बिच्छू डंक मारना शुरू कर दे
तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते। पैरों तले कुचल देते। यही करना होगा इसके साथ। मौत ही इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकती है पूजा। पूजा तुम इस बच्चे को संभालो और इस पे भी नजर रखना। मैं जाकर जल्दी ही एक बोरी का बंदोबस्त करता हूं। इसे बोरी में डाल के ले जाएंगे ना तो किसी को शक नहीं होगा। नजर रखना। इतना बताना होगा कि बच्चा इनके पास है। एक घंटे से मैं आपकी वाइफ को फोन कर रहा हूं। बच्चा और आपकी वाइफ कहां है? आप ही लोग बहुत जिद पर अड़े हुए थे ना कि हम लोग बच्चे की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात रही। आपको तो ये भी नहीं पता है कि बच्चा इस वक्त कहां है और किस हालत में है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बच्चे और अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन आता हूं। कमल, और कितनी दूर? बस पूजा, थोड़ी ही दूर है। इस पड़ाव के बाद हमें वो मिल जाएगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे, हमारा बेटा। चलो। मीत मॉम, मीत बच्चा लेकर आप लोगों के पास वापस आई क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जरा डैड से पूछिए अगर उनसे कोई बात हुई हो तो। एक मिनट राज, आपकी मीत बहू से कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई। बबीता जी फोन स्पीकर पर डालिए और पूछिए उससे कि हुआ क्या है। मीत, वो एक्चुअली मीत को बच्चा लेकर पुलिस स्टेशन जाना था, वो अभी तक पहुंची नहीं। तो उसको फोन कर लेना बेटा, तो पता चल जाएगा वो कहां पर है। नहीं लगा सकता फोन क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास है, थोड़ी देर पहले मैंने उससे ले लिया था। जब तूने उसके साथ झगड़ा किया था? वाह, ये सिर्फ उस लड़की को तकलीफ देना जानता है और कुछ भी नहीं। अब एक बात कान खोल के सुन ले, बहू बेटा को ढूंढ के ला, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। बेटा तू ढूंढ ना कि मीत बहू कहां पर है, मुझे टेंशन हो रही है अब। मामा प्लीज परेशान मत होइए, मीत मंदिर में थी, मैं वहीं जा रहा हूँ, एक बार देख कर आता हूँ। दशहरे का दिन है, गुप्ता जी के घर में भीड़ होगी। अभी भी सब सच सच बता दे वरना सबके सामने तमाशा बन जाएगा। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जब आपके अपने एक झूठ को सच मानकर बार बार दोहरा रहे हो ना, उससे इनकार करना। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच नहीं है अम्मा। सच ये है कि नवरात्रि की हर रात मैं गुप्ता जी के घर पर ही थी, और वहां पहुंचकर अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले ना, तो आप बेशक मुझे जान से मार दीजिएगा। सॉरी, वो गलती से टकरा गया था। क्या सॉरी?
देख के ना चला जाता। सॉरी निकाल। सॉरी माता जी। क्या हुआ? अम्मा अम्मा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वापिस घर चलते हैं ना प्लीज। घर तो वापस ना जाएंगे, आज मन ने सारी सच्चाई जाननी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल बाने ना बना, जैसे सच्चाई आ जाती है ना सामने, जैसे तेल आ जाता है पानी के ऊपर, वैसे ही सच्चाई। नीलू नीलू कमल, हमारा मकसद कैसे पूरा होगा अगर हम पकड़े गए तो? ऐसा नहीं होगा पूजा, आज ही रावण दहन के बाद ये पूजा करनी होगी और बच्चे की भेंट भी चढ़ानी होगी। लेकिन अगर बच्चा ही छीन गया तो? सॉरी रुको, रुको। दरअसल उस मटके का पानी काफी पुराना है, शायद हम जब यहां आए उससे भी पुराना। पूजा तुमने बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ पीर भैया, वो पानी काफी पुराना है। आप ये ले लीजिए, हमें भी जब पानी चाहिए होता है तो हम ये बॉटल भर लेते हैं। थैंक यू पूजा भाभी। कांस्टेबल, ये इस अलमारी को चेक किया? नहीं साहब जी। तो चेक करिए, देरी किस बात की है? अरे धर्मशाला की अलमारी है, क्या ही होगा इसमें, आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इनकी बात को छोड़िए, आप अपना प्रॉपर काम करिए। चला जी। साहब जी यहाँ कुछ नहीं है। कमल भैया तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, पूजा भाभी सॉरी, और कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। अरे आप लोग अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा। मीत और बच्चा जल्दी मिल जाएंगे, हिम्मत रखिए। इंस्पेक्टर साहब चलिए आइए, चलिए सभी लोग चलिए, जल्दी दो आप भी चलिए, बाकी के कमरे और बाकी का धर्मशाला भी। थैंक यू वेरी मच। दरवाजा बंद करो। जल्दी करो, इसका पति इसी तरफ आ रहा है। Thank you.
साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको मीत और बच्चे के बारे में कुछ भी मालूम पड़ा? इंस्पेक्टर साहब, आपको मीत और बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगेगा आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, और प्लीज प्लीज जल्द से जल्द उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। सॉरी अम्मा, जगराते से आते हुए थोड़ी लेट हो गई। इंसान के कपड़े उसके चरित्र का आईना हो गए। वो कपड़ा थारा तो ना? किसका है? अम्मा वो मिसेस गुप्ता का। मेरी साड़ी पे चाय गिर गई थी तो फिर उधर ही बदलना पड़ा। अंदर चल। अम्मा ये कौन है और ये सब क्या है? यो कर्मी बाबा है,
आज दशहरे पे छोटी सी पूजा करेंगे, खास तौर से थारे लिए, ताकि थारे भविष्य में खुशियां बनी रहे। और वैसे भी घर के सारे लोग रावण दहन देखने गए हैं, तो पूजा में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना पड़ेगी। जा कपड़े बदल के आ जा। अम्मा मैं भी प्रार्थना करूंगी कि मेरे मीची मेरे पास जल्दी लौट आए। मैं जल्दी से आती हूँ। देखा अपने बाबा जी, इस छोरी को देख के कोई कह सकता है कि अभी से थोड़ी देर पहले ये गंदी जगह पे शराबियों के साथ नाच रही थी। मैंने सब देख लिया माता जी, इस छोरी के शरीर में एक नहीं दो दो आत्माएं बैठी हैं। दूसरी आत्मा बिगड़ैल जिद्दी और दुष्ट प्रवृत्ति की है, जो समय समय पे इसके कमजोर होने पे इस पे हावी हो जाती। इस जादुई चिराग को गोद में लेके बैठ जा आके बंद करके चोरी, तुझे तुझ पे हावी सारी बाधाओं से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पकड़। बाबा जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर, ले ले चिराग। अब आप इसके बगल में बैठकर इस छोरी को मजबूती से पकड़े, क्योंकि इस संसार में सिर्फ माँ ही अपने बच्चे के ऊपर आए हुए संकट से उसे छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। जब अखबार में इस कत्ल की कहानी छपेगी, लोग सदियों तक याद रखेंगे कि कैसे मीत हलावत ने इतने लोगों के सामने अपनी ही बीवी मीत हुड्डा को जला के मारा था। मन मरने से डर ना लगता, पर मेरी मौत का इल्जाम इसके सीने में ऐसा घाव कर जाएगा जो उसकी आखिरी सांस तक ना भरेगा। समझ करो माता रानी, उसने मेरी मौत के इल्जाम से बचा लो। वो बर्दाश्त ना कर पाएगा, वो मेरे बहुत दर्द में। समझ करो सब ये मीत हुड्डा ही तो नहीं कर रही है।
इधर आइए जी। ये रावण के पुतले का जिन्होंने निर्माण किया था, कहाँ है वो लोग? जाइए बुला के लाइए उनको। मीतमन ने पता है तो मन ने जरूर ढूंढ लेगा। रोहित जी वो लोग तो चले गए, अब हम लोगों को उतरना होगा। चलिए आइए आइए। आप लोग जरा पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, वो गिर जाएगा। अरे आप लोग बैठ जाइए, भगदड़ मत कीजिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप लोग सब पीछे हटिए, खतरा है, पीछे हटिए। मुझे इस नीत अलावत को रावण के पास जाने से रोकना होगा। ये आपकी बीवी मीत भाभी का है ना? क्या ये मीत ने देखा? क्या मीत मुझे कोई क्लू देने की कोशिश? के दर्शन से आ रहा हूँ, प्रसाद लीजिए। मीत रुदे खून, इसका मतलब है वो बदमाशी आया था। तू है कमल, तू है जिसने मेरी मीत को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो तू है जिसने मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कमल, अगर आज मेरी मीत को जरा खरोच भी लगी, उसे किसी भी तरह का नुकसान हुआ या उस मासूम बच्चे को कुछ हुआ ना कमल, तो आज इस धरती पर से एक रावण और उठेगा, आज इस धरती पर से एक रावण का और खात्मा। डॉक्टर साहिबा,
बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि हमारी चोरी पागल तो ना हो गई, वो हमारी चोरी एकदम शांत सुशील और संस्कारों वाली लड़की है, उसको अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और अपने आप को लैला लैला करने लगती है, और जब मैं उससे लैला के बारे में पूछती हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता, के हो गया है उसे, मैंने कुछ समझ में ना आ रहा। आप ही बताओ ना के हुआ है मरी चोरी को। देखिए बर्फी जी, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, पर आपकी बात सुनकर मुझे यही लग रहा है कि आपकी बेटी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब दोहरा व्यक्तित्व। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े हादसे के बाद इंसान ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, पर असल में वो उस हादसे को कभी भूल ही नहीं पाता। वो हादसा, वो गुस्सा, वो मन के किसी कोने में गांठ की तरह जाकर बैठ जाता है। वो नफरत, वो ह्यूमिलिएशन, ये सब इकट्ठा होकर उस इंसान के दिमाग को दो भागों में बांट देते हैं और उससे उस इंसान के अंदर एक या एक से ज्यादा पर्सनालिटी पैदा हो जाती है, और वो व्यक्तित्व उस इंसान पर हावी होकर उससे वो सब करवाता है जो असल में इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। रानी मदद करो, आपने मेरी पुकार सुन ली माता रानी, आपने मीत ने जाने ते रोकने में मेरी मदद की, धन्यवाद माता रानी। Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sthita।
ऐसा कह करूं कि मीत ने पता लगे कि मैं आऊं। मैंने तो चिंगारी पे राख डालने के लिए वो बात दबाई कि नीलू के चरित्र पे कोई उंगली न उठाए और उसी चिंगारी ने भीतर ही भीतर नीलू को अंगार बना दिया। मैंने कैसे भी घर वालों से ये बात छुपाड़ी होगी कि नीलू के दो रूप है, उसे ऐसी कोई बीमारी है। गंगा जल हाथ में लेके कहे क्या तब आप लोग मानेंगे? जिस लड़की ने मेरे बेटे गौरव को जख्मी किया है वो इसी घर की है। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे कंबल ले जाओ, कंबल जल्दी जल्दी मीठ पानी, मीठ पानी, पानी पानी। लगता है इनके सीने में धुआं भर गया। पानी पानी मीठ 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 बेटा मीठ 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 पानी।
और मैं चलूंगी तेरे साथ नहीं, उसको बचाने। नहीं, 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 बच्चा सही सलामत रहेगा, मैं लेकर आऊंगा बच्चे को। हाँ, तुम यही रुको अभी। मीत मेरी बात सुन। मीत मैंने अपने साथ लेकर चल। मीत मैं हमारे बच्चे ने ना बचा पाई थी और उसका अफसोस ना मन्ने हर रोज मारता है। मैं अगर उसने भी ना बचा पाई ना तो मैं मर जाऊंगी। मैंने अपने साथ लेकर चल। मीत बच्चे ना मैं बिल्कुल बचा रहा हूँ। नहीं मीत, तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकती हो। खड़ी होना तो दूर की बात है, तुम सांस भी नहीं लेते। तुम कैसे? मैं जाऊंगा, मैं बच्चे लेकर आऊंगा। मैंने अपने साथ लेकर चल। आप लोग हमारी छोरी की चर्चा कर रहे थे। कुछ नहीं, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपके दोस्तों को लगता है कि हमारी छोरी बार डांसर से। हमारी छोरी का नाम नीलम है और नीलम का मतलब हो गया है नगीना, दागड़ा। जाने से पहले आप लोग अपनी गलत फहमी दूर कर लो। ऊपर कमरे में हमारी छोरी है, चढ़ के देख लो उसे और तसल्ली कर लो कि जो देखा है वो वही छोरी है या आप लोगों का नशा अब तक उतर आना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है ना होशियार जी, आपके दोस्तों ने हमारी छोरी पे उंगली उठाई है। उंगली नीची तो करनी पड़ेगी। चलो देख लो, आ जाओ। हाँ ठीक है, मगर होटल का नाम तो होगा कोई। नाम बोल। अगर मैंने गलत नाम लिया तो पकड़ा जाऊंगा। मैं तो आसपास की होटल जानता भी नहीं। बोलेगा कि नहीं? अरे दिखते नहीं क्या, धक्का मारता है। सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी, क्या सॉरी? अरे तो मार्केट था भाई साहब। चल जा निकल। तो बीच में क्यों खड़े हो आप लोग? अरे बीच में क्या, बीच में क्या? अरे तो मेरी एनर्जी है ना, निकल। धक्का मारता है क्या? बीच में गलती से लग गया। बोला पूजा चल। ये आखिरी नंबर है। माता रानी मदद। हम सब पार्टी करेंगे, गर्ल्स नाइट इन। गर्ल्स नाइट इन? हाँ भाभी, क्या है ना, आज मैं यहाँ आप सबके बीच में हूँ, कल पता नहीं रहूं या नहीं। मैं अपने साथ कुछ अच्छी अच्छी यादें बना के लेके जाना चाहती हूँ। What's it? ईशा, पार्टी? I'm always up for a party. नीलम दीदी, आप चाहो तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, पर आप ना गलती से भी इस बार में अम्मा जी को मत बताना। ओके, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच की होगी। मैं तो तैयार हूँ। यस। ओके, तो इस पार्टी का ड्रेस कोड होगा वेस्टर्न वेयर और मैंने पहले ही सबके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए। एक मिनट। सुनैना भाभी,
ये आपका, ईशा योर्स, और नीलम ये तुम्हारी ड्रेस। मैंने लाल वस्त्र धारण किए हैं। रिक्शा रोक। क्या होती, कहां देने वाला तू? बताओ वरना यहीं पर तेरा क्रियाकर्म कर दूंगी मैं। हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे तपस्वी बाबा के हाथ लगाने की? अपनी ये बकवास बंद कर वरना। अरे भक्तगणों, देखो इस बेशर्म लड़की को और इस लड़के को साधु संतों का अपमान कर रहे हैं और आप लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। ये छोड़ी छोड़ना बाबा जी को। कोई बाबा नहीं हो, ढोंगी है ढोंगी। ऋषि मुनि बाबा ये जीव जंतुओं की रक्षा करने की सलाह देते हैं, उनकी हत्या करने की ना। और यो यो एक बच्चे की आहुति देने का। वाओ नीलम, यू लुक सो अमेजिंग। बहुत अजीब लग रहा है इस ड्रेस में, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नीलम दीदी, जस्ट चिल, अब बहुत प्यारे लग रहे हो। बस कुछ घंटों की बात है, डांस करो, एंजॉय करो, सब कुछ भूल जाओ। एक मिनट, ये एक घूंट में पी जाओ। ये अंदर जाते ही ना तुम्हारे अंदर की जो अबला नारी है वो घूंघट समेत गायब हो जाएगी। लो जी। मासूम दी, ये तो शराब है, मैं शराब नहीं पीती। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। फाइन। ईशा हाँ, म्यूजिक। अब इस जूस में अल्कोहल की न स्मेल आएगी न टेस्ट, लेकिन हो सकता है कि इसके कुछ घूंट अंदर जाएं और नीलम के अंदर की लैला बाहर आ जाए और फिर बूम। जरूरी है, इसने सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर इसने सजा कानून देगा, पुलिस देगी। कानून ने तोड़ना भी अपराध है। अरे हटो, पीछे क्या चल रहा है ये? अरे पीछे हटो बाबा, अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। बता किधर है बच्चा?
खून मेरे सर के ऊपर चढ़ रहा है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है ना तो सीधे सीधे बता, बच्चे की आहुति कहाँ होने वाली थी? बीच जंगल में एक पुराना घर है, अब से 20 मिनट में सदगुनी लगन पक्ष लग जाएगा, तब उस बच्चे की बलि दी जाएगी। अरे ऐसा तो तू तब करेगा ना जब वहां पहुंच के अपना आहुति ढोंग पूजन कर पाएगा। तू पूजा, तुम्हारी कोख से छोरा जन्म लेगा, क्योंकि आज इस बच्चे की आहुति होके रहेगी। ये आहुति होके रहेगी। अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो भी कमल उस बच्चे की आहुति देके रहेगा। क्या मतलब? क्योंकि उसे आहुति देने की विधि आती है। समय आ गया है। जंगल बहुत बड़ा है, ऐसे में बच्चे ने कैसे ढूंढेंगे हम? और जितना समय लगेगा बच्चे की जान को उतना ही खतरा बढ़ेगा। मीत सुन, मन्ने लगता है कि हम दोनों ने अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। तू बाहर चले जा और मैं यहाँ जाती हूँ। नहीं नहीं मीत, हम दोनों बच्चे को साथ मिलकर ढूंढेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? तन्ने लगता है कि मैं यूँ काम कर ना पाऊंगी, भरोसा ना है ना? नहीं है भरोसा, ना तुम पर है, ना अपने आप पर है और ना ही किसी और पर। तुम जानती हो मौत से ज्यादा बुरा एहसास है किसी को खो देने का एहसास, और उस एहसास से ना मैं अभी अभी गुजरा हूँ। जब तुम वहां बेहोश पड़ी हुई थी मीत, मैं तुम्हारे साथ ना और कोई जोखिम नहीं लेने वाला। इतनी आसानी ते तेरा पीछा ना छोड़ने वाली मैं। तन्ने अच्छा लगे या बुरा, मैं पहले भी तेरे साथ थी और अभी भी तेरे साथ हूँ। चल साथ में ढूंढेंगे, चल।